और पेपरलेस बजट है इस बार का, डिजिटल तरीके से बजट इतिहास में पहली बार हुआ है, कोरोना काल के बाद बजट आप किस तरीके से लिखने चल रहे हैं? ये जो बजट अब पेश किया है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने, बहुत ही बढ़िया बजट पेश किया है, जो गरीब आदमी के लिए है, किसान के लिए है, मजदूर के लिए है, और सबसे बड़ी बात है हेल्थ में इसमें लगभग 134% के करीब का बढ़ावा दिया है, तो हेल्थ के प्रति इस पर ध्यान दिया गया है। इसी तरह एजुकेशन के प्रति, चाहे मॉडल स्कूल या सेंट स्कूल की, उस पर भी बजट बड़ा भारी बजट बढ़ा गया है, और इसके साथ साथ जो छोटी यूनिटें हैं, फैक्ट्री हैं, उनके लिए रियायत दी गई हैं, जिन जिन लोगों ने मकान बनाने हैं उनके लिए रियायत दी गई है, जो मिडिल वर्ग से हैं, और किसानों के लिए भी इसमें बहुत सारी योजनाएं चालू की गई हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है 2022 तक किसानों की आमदनी दुगुना करना, और हर उस आदमी जिसके पास अपना मकान नहीं है मकान देना, वो इस बजट में हर बात उसमें रखी है। सर स्वास्थ्य एक और जो सवा चल के लिए, अगर इस साल सरकार की प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हर आदमी को स्वच्छ पीने के लिए स्वच्छ पानी मिले, उसके लिए बजट बढ़ाकर सारा रखा गया है। आपके नेशनल हाईवे हैं हमारे, उनके लिए बहुत सारा बजट भी, और चारों तरफ जो विकास का एक रास्ता बनाया हुआ है वो तेज़ी से आगे बढ़े, रेलवे हो, नेशनल हाईवे हो, दूसरी जो चीज़ें हैं उन सब के लिए ये किया गया है। सर स्वास्थ्य की आप बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य का क्या काफ़ी अहम इस बार जो बजट में रहा है, स्वास्थ्य को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है? क्योंकि ये जो साल था इसमें कोरोना की बहुत बड़ी मार थी, जो उसके बावजूद भी ये ऐसा बजट है जो हेल्थ के प्रति बहुत ही इसे आने वाले समय में फायदा होने जा रहा है। सर विपक्षी पार्टियों की बात करें, विपक्षी पार्टी लगातार कह रही है कि इस बजट में कुछ भी नहीं है, बजट को गुमराह करने की, लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, तो किस तरीके से देखते हैं? विपक्ष अपना काम कर रहा है, उन्होंने तो यही बात कही है, जो भी हम अच्छे काम करते हैं, चाहे हमने 370 की बात की, चाहे CA की बात की, NPCA की बात की, और दूसरे जो भी काम है सबका उन्होंने यही किया है, किसानों की आमदनी डबल कर रहे हैं उस पर भी यही कह रहे हैं, तो जो उनका तो अपना एक फर्ज है। सर एक आखिरी सवाल, किसान सेंस लगाया गया है उस पर भी विपक्षी पार्टी लगातार सवाल निशान पर कि लोगों पर बोझ डालने की कोशिश यहाँ पर सरकार करती हुई नजर आ रही है, 3-4 रुपये पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ जाएंगे किसान सेंस लगाने के बाद। ऐसा है उसका वो जो है, आज जो कोरोना का टाइम था, जिस तरह से और देशों के हालात रहे हैं, हमारे हालात इसमें सुधरे हैं, और इस साल में चाहे हमारी GDP हो, चाहे और हर क्षेत्र में हम विकास के नए रास्ते में जाएंगे, और किसानों को भी आने वाले समय में से पैदा। तो ये थे सांसद रमेश कौशिक, साफ तौर पर बजट को साफ तौर पर काफ़ी अच्छा बता रहे हैं, वहीं साफ तौर पर विपक्षी पार्टियों को घेरते हुए कह रहे हैं कि विपक्ष का काम है लोगों को गुमराह करना, और विपक्ष लगातार लोगों को गुमराह करने की कोशिश करती है। राजा पटेल, हरियाणा न्यूज़, दिल्ली। तो आप सुन रहे थे सोनीपत से सांसद रमेश कौशिक को, जो बजट की जमकर तारीफ कर रहे थे, और उन्होंने